तरफ का हो गया, एक हिंदी एक इंग्लिश। कोई बात नहीं, अभी यस सर। रोल कैमरा रोलिंग रोलिंग। मुहूर्त एक्शन। तालियां। कुछ बोल दीजिए सर। आज विश्वजीत मिश्र और हीरोइन हीरो आज मुहूर्त हुआ जी। शुरुआत करते हैं, सबसे बधाई की एक साथ दो लोग का मोहन करें बनारस से बाबा महादेव के मंदिर। तो ये दो सुख संजोग बनाए क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं, साथ में यहाँ पे जितने भी लोग आए सभी को प्रणाम नमस्कार। और मैं चंदन सिंह एक बार फिर से दो फिल्म एक साथ मुहूर्त करके और शूट चालू करने वाले हैं। हमारे इस फिल्म के जो हीरो हैं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, साथ में निशा दुबे जी बहुत ही अच्छी सिंगर बहुत अच्छी एक्ट्रेस, सनी सिंह जी हैं इस फिल्म के अंदर और अमित शुक्ला जी हैं, सुबोध सेठ हैं, सचारिया जी जो कि एक्टर भी हैं और डांस मास्टर भी हैं। अच्छे कास्ट किए हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से अक्सर आपकी फिल्मों का भव्य माहौल मुंबई होता था, पहली बार आप वाराणसी। देखिए कोविड का समय चल रहा है और बनारस तो बहुत ही पवित्र जगह है, महादेव की नगरी है, तो हुआ कि आज इस बार महादेव से ही शुरुआत करते हैं। कोविड के बाद शुरुआत एक अच्छी शुरुआत बनारस में किया। देखिए कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किशन कन्हैया जो है वो एक एक्शन लव स्टोरी मूवी है। ये प्यार काहे होला, आप समझ सकते हैं कि प्यार क्यों होता है जी। तो कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको ट्विस्ट के अंदर। ये बॉलीवुड से कॉपी तो नहीं है, रीमेक तो नहीं बना रहे हो बॉलीवुड? जी नहीं, ये टाइटल तो ऐसा लग रहा है एक्चुअली में। नहीं आपने कैसे ऐसा कोई टाइटल नहीं, हमारा कुछ अलग ही है, ये अलग कंपोजिशन है टोटल और हमारा अलग थॉट है और अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों फिल्म में एक्शन लव स्टोरी है। नेक्स्ट मंथ से करने वाले हैं। कहाँ कहाँ करेंगे शूटिंग? बनारस की धरती पे करेंगे। बनारस करेंगे और लखनऊ में करेंगे। आप ढेर सारे गाने ही बोलते हैं, अभी भी आप कई गाने ही बोलते हैं, आप भी आया है इसके साथ, आप फिल्मों के लिए शुरुआत करते हैं आपके सारे। सबसे पहले तो मैं दिल के गहराइयों से आप सभी जितने भी श्रोतागण मुझे देख रहे हैं, जिस भी चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आप सभी को यहीं से पैर छू के प्रणाम। मैं विश्वजीत विश्व बाबा काशी विश्वनाथ की धरती से और बहुत छोटा कलाकार हूं और जैसा कि और धन्यवाद मैं करना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर साहब जो एक साथ दो दो फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं, विपुल द्विवेदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और डायरेक्टर चंदन सिंह का और हमारी दो हीरोइन एकदम खूबसूरत मेरे अगल बगल बैठी हैं, सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ। निशा दुबे जी हैं, सनी जी हैं और बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल पूरा वर्कशॉप शुरू है जी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले चंदन भैया ने बताया है कि किशन कन्हैया और ई प्यार का है होला, ये दोनों टाइटल एक्शन और लव स्टोरी का है, तो अब वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है। देखिए रोमांस का बात है तो रोमांस बहुत मतलब ओवरऑल मतलब पूरा मसाला है फिल्म में, बहुत मज़ा आएगा
और एक पारिवारिक फिल्म है, बहुत अच्छा, अश्लीलता मुक्त, बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं हम लोग और बस आप लोग के आशीर्वाद की कामना है। बिल्कुल, और हम लोग तो साथ में डुएट सॉन्ग भी गाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। हाँ, क्या कहना चाहूँगी, बहुत खुश हूँ, दो दो फिल्मों का मुहूर्त एक साथ हो रहा है और हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब सब हमारे साथ हैं, इतना हॉट हीरो मिला है और क्या हो मिलना चाहिए, बहुत खुश हूँ मैं। आप सोचते हैं कि आप हमसे पूछ लेंगे तो हम नहीं बताने वाले हैं, किरदार किसी को भी रिवील नहीं किया जाएगा, आप पोस्टर देख के अंदाजा लगा सकते हैं, किशन कन्हैया ये प्यार का है होला दोनों रोमांटिक और मसालेदार मूवी है, तो हो बाकी फिल्मों के अकॉर्डिंग कुछ अलग करूंगी और बेटर करूंगी। नहीं, हमारी जेलसी नहीं है क्योंकि मैंने और सनी ने पहले भी काम किया है, हमारी फिल्म थी बनारसी पैरल, उसमें हम दोनों ने साथ में काम किया था और इसमें भी साथ है, तो हमारी केमिस्ट्री पहले से बहुत अच्छी है और रह गई जेलसी की तो बट हमारे दो हीरो थे यहाँ पे एक ही है। हम लोग आधा आधा बांटेंगे, बात खत्म। हाँ, एक पार्ट आधा उसका आधा हमारा। जी, अभी कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज ऑफ कोविड, आगे का सिचुएशन जैसा होगा उस अकॉर्डिंग किया जाएगा, थिएटर्स खुल गए तो वहाँ रिलीज करेंगे, नहीं खुले तो फिर यूट्यूब एंड ओटीटी। सनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी पूरी श्रोतागण को अपना नमस्कार कहूँगी जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। इस फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ऑलरेडी सब लोगों ने जो भी चीज़ें थी वो कह दी है, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी बहुत सिंपल सी फिल्म है सिर्फ कहने के लिए। बट डिपेंड करता है आप लोग मुझे कैसे देखना चाहते हैं, ये तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुझे कैसे एक्सेप्ट कर रही है। ऑल डिपेंड ऑन कैरेक्टर, ऑन दिस मूवी की कैसा कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग ही प्ले किया जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। सनी जी, जैसे कि आप तो हीरोइन है, नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि हर इंसान अपनी जगह पे वो अपने तरह से सबसे खूबसूरत होता, बेस्ट होता है, बस बात खत्म, किसी और से जेलसी करने का मतलब ही नहीं है, आप अपने आप को बेस्ट मानते रहिए तो जेलसी आएगी ही नहीं। वो तो बहुत अच्छे है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और लास्ट दिसंबर में हमने फिल्म किया था अपना बना लो, मैंने, चंदन जी ने, समर जी ने साथ में, तो हमारी मतलब सिर्फ फिल्म से नहीं ऐसे भी हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग और केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है और इसको लेके हमारी हैट्रिक हो जाएगी, तीन फिल्में हो जाएगी, उम्मीद है 3 हमारा 30 तक पहुँचे बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल, ये दो फिल्में हैं, चंदन जी बहुत का 15 साल का अनुभव है, बहुत अच्छा डायरेक्शन करते, बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं और विश्वजीत विश्व हैं, बहुत दिनों से इस लाइन में हैं, अच्छे सिंगर हैं, निशा जी हैं बहुत बढ़िया गाना गाती हैं, एक्टिंग करती हैं, पल्लवी हैं, सन्नी सिंह, ये ऑलरेडी इनको बहुत लोग OTT पे भी देखे हैं, तो फिल्म में बनारस और बनारस के आसपास ही शूट होगी, आसपास के ज़िलों में, और अगले महीने सितंबर एंड से इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर 2022 बिगनिंग में एक फिल्म रिलीज होगी, दूसरा जैसा डेट्स मिलता है आपको उस हिसाब से। देखिए, एक तो मैं भी बनारस से हूँ, हम लोग बनारस से ही हैं, सब जुड़े हुए हैं, ये तो महानगरी है, बोले नगरी है, तो यहाँ होगी शूट, यहाँ के मतलब लोगों के बीच में होगी, सबका प्यार मिलेगा तो और अच्छी फिल्म में बनेगी। मैगी अच्छा बनाती हूँ, सबको खिलाऊंगी मैगी। नहीं, हमें मैगी नहीं खानी है,
कुछ टेस्टी सा बना के खिला। नहीं कुछ निशा जी कुछ टेस्टी सा बनाएंगे, मैगी नहीं खा रहे हम। ठीक है हमारा घर है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, दो फिल्में हैं तो क्या दो अच्छी कहानियाँ मिली, दो कहानियों को डिस्कस किए, दोनों पसंद किए, तो फिर ये हुआ कि दोनों बनाते एक साथ। और अभी क्या है कि एक लिमिटेड लोगों में ही शूट करना पड़ता है, तो शूट करने में भी इजी पड़ेगा, और भी कुछ टेक्निकल है जो हमको इसका एडवांटेज मिलने वाला है, इसलिए हम लोग दो फिल्म लॉन्च कर रहे हैं। कलाकार बनारस के हैं, लव स्टोरी यही। विशु जी आपसे नागपुर जाना चाहेंगे कि लेटेस्ट आपके कई गाने हैं जी, कल ये गाना आपको जी लाइन कुछ गाने उसमें। हाँ अभी फिलहाल में एक साल पहले एक गाना मेरा सैड सॉन्ग बहुत अच्छा मार्केट में चला, आप लोग का कृपा आशीर्वाद बहुत मिला उसको, वो गाना दो लाइन में गुनगुनाना चाहूँगा, और वो मेरा गाना बहुत फेवरेट है। कि सपना सजा के मुहावा मुड़ गई लुहो, हमके अकेले कहे छोड़ गई लुहो, कि भेंट होई नहीं अब तो बुझाता, अरे तोड़ लू लता डोली हो जाता। ये गाना बहुत अच्छा चला, और उस समय टिकटॉक था, टिकटॉक जितने भी ये प्लेटफॉर्म आजकल चल रहे हैं वो जितने भी लोग वीडियोस बनाए मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, और ये गाना आप लोग का बहुत प्यार दुलार मिला। और अभी एक गाना और मेरा मेरे ऑफिशियल चैनल से आया है, गंगा नहिला के का मतलब, तो हमारे चैनल पे आप लोग जाइए, इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। और जो लेटेस्ट गाना आया है अच्छा वो भी सुना देते हैं। वो गाना कुछ यूँ है कि लड़की बोलती है कि बेरी बेरी पूछी है बतिया है जी, भाईल का बाटे रहुर मतिया है जी, अरे गलती तो बानी कहिले बाकी दोहरैला के का मतलब, अरे गलती तो बानी कहिले बाकी दोहरैला के का मतलब। तो मैं बोलता हूँ कुआरे में रखलू दस गो भतर फिर गंगा नहैला के का मतलब, यही गाना है। अब ये गाना मैं आपको सुना रहा हूँ। नहीं 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 हाँ हाँ दो लाइन आपका भी। और आप आपका एक गाना मैं बहुत सुनता हूँ, जिंदगी है मगर पराई है, वो भी मैं दो लाइन आपसे फरमाइश चाहता हूँ कि आप सुनाइए उसी को पहले। बस हम ट्यूनिंग है हमारी हमारे अच्छे दोस्त। ठीक है गाना मेरा आया था वो जिनके बारे में विष्णु जी बात कर रहे हैं, दो लाइन ही याद है मुझे। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, खाके ठोकर समझ ये आई है, जिंदगी है मगर पराई है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कुछ अपने दर्शकों फैंस से कहना चाहेंगे? सभी लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सपोर्ट हमेशा मिला है हम सभी कलाकारों को, आगे भी आप सब अपना आशीर्वाद अपना प्यार हम सब कलाकारों को इसी प्रकार बनाए रखें, और जो भी हमारी नेक्स्ट रिलीज फिल्में हैं, जो भी आने वाली फिल्में हैं, इन सभी पे अपना आशीर्वाद प्लीज़ बनाए रखिएगा, क्योंकि हम सभी लोगों को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। आप लोग के बिना कुछ भी नहीं है, आप हैं तो हम हैं। हाँ और आप लोगों के लिए ही ये फिल्म बनाई जा रही है, तो आप लोग भी अपना पूरा सहयोग पूरा योगदान दीजिएगा इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर, और बस आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही आगे दिन दुना रात चौगुना हम लोग भी तरक्की करते रहें। एंड द लास्ट सभी मीडिया वालों को भी ढेर सारा थैंक यू, आप सब आए और हमारे
इस मुबारक घड़ी में आप सब पात्र बने। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। अरे तो एक घंटा प्रदेश का था। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आप सभी। जिस तरीके से पवन सिंह जो अपने चाचा को गुरु मानते हैं, आप भैया आप अपने चाचा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे चाचा भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, पूर्वांचल के जाने माने लोक गायक और भजन सम्राट आदरणीय श्री गोविंद गोपाल जी हमारे चाचा भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, और इन्हीं के कर कमलों से आज मैं कुछ गाता बजाता हूं और जो कुछ भी हूं सब इनका आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं आपने पूरा इनसे पूरा गायकी की जो सीख बारीकी आपने अपने चाचा से सीखा जी, तो उसके लिए कैसे आपने चाचा जी आप बताइए कि किस तरीके से लगा कि आप ये विश्वजीत विश्व को ट्रेंड किया जाए कि नाम कमा सके? विश्वजीत विश्व विगत 15 वर्ष पहले जब इनकी अवस्था 10-11 साल की थी, 9 साल की, तो एक गीत गुनगुनाते हुए मैंने इनको सुना, अचानक कान मेरे उनके आवाज़ की तरफ गए, उसमें बिना सीखा हुआ बालक इतना क्लियर इतना मुर्की लगा के गीत गा रहे थे, तभी मैं पहचान गया कि विश्वजीत विश्व एक लंबे रेस की घोड़ा हो सकते हैं। उसी दिन से मैं लग गया इनको सुरों का ज्ञान गायकी सिखाने में, और आज विश्वजीत विश्व की एक पहचान है, और जो मैं सपना अपने लिए देखा था आज इनके रूप में वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है, और इसलिए 2 लाइन कहूँगा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बिल्कुल मेरा नाम रोशन विश्वजीत विश्व करेंगे। इनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले समय में खूब प्रगति करें, खूब यश कमाएं और भोजपुरी जगत में एक सितारा बन के उभरें, यही मेरा आशीर्वाद है, यही शुभकामनाएं। क्या जो बगल में जो भैया बैठे हुए हैं, तो एकदम स्टूडेंट जितना चीजें मैं बताता था उतना करके दिखाते थे। आज विश्वजीत विश्व प्रदेश में जो इनके उम्र के टीनेजर से लेकर जो इनके उम्र के कलाकार हैं उनमें मैं देखता हूँ सबसे अव्वल कलाकार है, चाहे वो गायकी में ले लीजिए, चाहे एक्टिंग में ले लीजिए, चाहे डांसिंग में ले लीजिए, चाहे व्यवहार में ले लीजिए, और मुझको बहुत उम्मीद है इनसे। है सर आप विश्वजीत जी के पापा हैं, आप भी सुनने में आया कि आप भी गाते हैं, तो आप किस तरीके से अपने लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप जो आप नहीं कर पाए वो अपने लड़के को आपने दिया है, किस तरीके से करते हैं देखते हैं? जी आपने यह सत्य सुना है, बचपन में मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो बाल सभा में कविता गाया जाता था, तो उसी समय से स्कूल में मैं गाया करता था। कुछ हमारे बड़े चाचा श्री श्री शंकर जायसवाल जी थे, ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं कहीं स्टेज पे नहीं, घर में अपने 4 लोगों के बीच में गाया करता था। तो उस समय का दौर था कि इस लाइन में छोटे वर्ग के लोग, छोटे जाति के लोग गायकी में या इस लाइन में थे, तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया, और मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस लाइन में जाएगा। हो सकता कि मेरा ही इच्छा जो रहा हो उसको पूरा करने के लिए भगवान मेरे इस बेटे को जन्म दिया, कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि इस गायकी में जाएगा और मेरे सपना को पूरा कर रहा है। गुनगुनाते नहीं थे हम, अपने बच्चों को हमेशा तालीम देता हूँ, मैं बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, जैसे मैं 2 लाइन की बात आप कह रहे हैं तो गा के बता रहा हूँ।
कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने को सौ टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझे बस यही तालीम दी है कि बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। मैं अपने बच्चे को हमेशा तालीम देता हूँ कि चाचा आपके गुरु हैं उनके। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगी कि जिस तरह का माहौल चल रहा है कोरोना का, तो इससे काफ़ी लोग डरे हुए भी हैं, कुछ लोगों ने अपनों को भी खोया है। तो प्लीज़ बी सेफ, आप लोग हैं तो हम हैं, जब आप अपनी सेफ्टी से आप सही सलामत रहेंगे तो भी तभी हम लोग भी रहेंगे। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एंड मीडिया के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी जो उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जो आए और इस मुहूर्त में चार चांद लगा। थैंक यू।